नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शाम का समय हो गया, 5 बज गए और हम जा रहे हैं मार्केट, मैं और गुड्डू। काफ़ी सारा सामान है जो लेके आना, क्योंकि कई दिन से सोच रहे थे लाना, बीच में श्राद्ध भी चल रहे थे, तो अब 1-2 दिन से नवरात्रे चल रहे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अब सोचा मुका चलो चलते हैं। तो मैं और गुड्डू हो गए हैं तैयार। गुड्डू हेलो। हेलो जी। और आपको दिखा दूं, और यहाँ देखिए बच्चा पार्टी हमारी आ चुकी है। इसे क्यों लेके आए? कृष्णा को तो लाना नहीं था यहाँ पे बिल्कुल भी। रोई पीयू और इंदु आए हैं। नमस्ते। जा रहे हैं? हाँ, बाजार में ही जाने की सोच रहे थे। और मैं सोच ही रही थी, मैं कभी मैं जाऊँ, मैं पहले तो उधर जाऊंगी, फिर मैं बस आज सामान लिया ना, कल को जाऊंगी। तो मैं और गुड्डू हो गए हैं तैयार, और आज देखिए गुड्डू का नया लुक। मैं क्या, गुड्डू ने ना सूट बनवाया बेचारी ने, और सुने के बाद पता नहीं 6 महीने से 1 साल से अपने चाचू को कह रही, चाचू मेरा सूट बना दो, चाचू मेरा सूट बना दो, और आखिर कल बन के आया है। तो आज इसने ट्राई करा, मैं कहा देख ले पहन के, अलग सा लुक है, लंबी लग रही, पतली सी लग रही है इसमें, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सब पहनने ना तो अच्छा लगे, वो पैंट शर्ट से ना पजामा सो में फिर जा, आज पूरे कपड़े पहने हैं ना। अरे इसका तो अजीब सा लगे, क्योंकि पहले अगर पहनने की तो फिर तो ठीक लगेगा, जब पहनते नहीं तो एक आधी बार तो ऊपर सी लग रही है। वैसा मुझे भी इसका पैंट टॉप ही बढ़िया लगा, मैं भी सही लग रहा है, पहनना पहनेंगी आप बनवाना, दो चार वो बनवाइए। तो जी करते हैं जाने की तैयारी, देखते हैं अभी थोड़ी देर लगेगी, पहले बातचीत कर लें अपना और फिर चलेंगे हैं। और जो भी लाएंगे हम आपको दिखाएंगे आके क्या क्या हम लेके आए। चल तो जल्दी ले, मैं तो कल पूछ रही थी भैया को, मैं बना दूं, मैंने बना ली, आज भी बनाती पता नहीं बना ली होगी कल, तो मैं सोच रही हूं। शॉपिंग करके हम आ गए थे, मैं और इंदु और गुड्डू, हम तीनों ही चले गए थे क्योंकि इंदु आ गई थी यहाँ पे। तो आने के बाद बस फिर मैंने मुँह धोए, कपड़े वगैरह चेंज करे और फिर अपना बस शाम का काम करने लगी। यहाँ मैं सबसे पहले कर रही हूँ पूजा संध्या शाम की, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, लेट ही गए थे हम मार्केट इस वजह से, तो बस संध्या करने के बाद फिर करूँगी अपने और काम। अब मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ बनाने लगी हूँ खाना। खाने में दाल तो रखी है, सुबह दोपहर के टाइम मैंने जो माँ की दाल होती है काली दाल उड़द की, वो बनाई थी तो वही रखी थी, उसमें लगा दूंगी तड़का। और मैंने प्याज भी डाल ली, वो इसलिए डाल ली क्योंकि आज मेरा व्रत नहीं, मतलब घर में कोई भी व्रत नहीं है इस वजह से, वरना जब व्रत थे तो जब तो हमने प्याज नहीं खाई थी, तो टमाटर वगैरह सारे कुछ डाल लिया और उसमें धनिया नमक मिर्च वगैरह डाल के, तो वो दाल रखी है ये डाल ली, और ये अच्छी गाढ़ी सी हो रही थी तो मैंने इसमें पानी डाल के पका लिया। और ज़्यादा किसी को शाम को मतलब इतनी भूख नहीं होती, शाम को हम कम ही खाना खाते हैं, एक एक आधी रोटी या दो मुश्किल से, तो बस मैंने इसीलिए इसमें चल जाएगा काम। और यहाँ गुड्डू के पापा काटने लगे हैं सलाद, खीरा टमाटर वगैरह जो भी है वो सलाद काट लेंगे, और इधर बस मैं अपना खाना बना रही हूँ और कुछ बात भी कर रही हूँ उनके साथ, क्योंकि खाना बनाते हुए खाते हुए तभी टाइम मिलता है, वैसे तो इतना टाइम नहीं मिलता बात करने का, वे भी अपने काम में लगे रहते हैं और मैं भी अपने।
तो जी बस फटाफट से वह बना दूंगी। अब रोटी सलाद वगैरह उन्होंने काट दी है और कन्हैया लगाने लगा है खाना। और गुड्डू अभी पढ़ रही है अपना, क्योंकि वो आज मार्केट चली गई थी तो उसका होमवर्क वगैरह नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कन्हैया को बोल दिया था, मैंने कहा भाई अपना खाना लगा ले और इनका भी लगा ले, तो वो बस दोनों का लगा लेगा और मैं फटाफट बना के देती रहूँगी साथ साथ। किचन का काम हो गया मेरा सारा, खाना सबने खा लिया, बर्तन वगैरह भी कर दिए सारे और किचन की क्लीनिंग भी कर दी, दूध भी हो गया गरम और बस इसको मैं रख देती हूँ ढक के, अभी थोड़ी देर में पियेंगे। और आप देख लो, देख मेरे मुंह का कितना बुरा हाल हो रहा, कितनी फुंसी एकदम से निकल गई, 1 2 3 और अब कल से आज में ही निकल गई है, बहुत दुख रही बहुत ज्यादा। तो जी चलो मैं आपको अब दिखा देती हूँ सामान की मैं बाजार से क्या क्या सामान लाई, ज्यादा तो नहीं लाई, थोड़ा सा लाई लेकिन फिर भी दिखा दूँ आपको। ज्यादा कुछ तो मैं लाई नहीं खरीद क्या, ज्यादा लाई मैं ज्यादा कुछ नहीं लाई और ज्यादा लाई लू भी मैं सारी, मैं अपने डेली यूज के कपड़े लेके आई सबके, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा, फुल स्लीव के लाई बच्चों के भी और अपने भी ज्यादातर। ये लोअर टी शर्ट गुड्डू की वैसी ड्रेस कह रही थी, मैं कल ले फुल स्लीव की, वो कह रही नहीं मम्मा मुझे तो वो ही चाहिए बस नाइट सूट ही, वो ज्यादातर घर में आपने देखा भी होगा नाइट सूट ही रखती है बहन का, पैंट वगैरह तो है उसपे। तो ये लेके आई, एक तो ये है लोअर और इसके ऊपर ये वाली टी शर्ट, ये अलग अलग ही थी और मैचिंग करके इतारे। एक ड्रेस तो ये होगी गुड्डू की, और ऐसे ही सेम मैं ईशु के लेके आई ये लोअर, ईशु के तो अभी भी लिए थे दो पहले, बस आज उसका एक लाई, ये लोअर है लंबा सा लग रहा मुझे, मैं यू लाई होगा इसके फिर सारे छोटे ही आवे, और ये इसके ऊपर टी शर्ट मैचिंग सी करके ले आई, होगा जैसा दिन में भी आराम से पहन लो, पैंट वगैरह तो बच्चे कहाँ पहन रहे हैं परेशान से रहते हैं, तो ये ले आई एक ईशु का एक गुड्डू का, और ये है ये भी गुड्डू का, ये पूरा मतलब एक साथ का ही है, ये लोअर है और ये नीचे का और इसके ऊपर ये है शर्ट, ये अच्छा लगा मुझे, और गुड्डू का ऐसे ही कपड़े चाहिए ऐसे ही पसंद है, ये इसके ऊपर मतलब अंदर आ जाएगी ऐसे, और ये इसका प्लान ना हो पजामा लोअर मतलब पूरा सेट है ये, तो दो लाई ये एक लोअर लाई इसका, ये ब्लैक कलर का ही मिला आप तो दूसरा कह रहे थे, तो ये एक लोअर लेके आई इनका, इनको मैंने पूछा भी था उनका टी शर्ट भी लिया हूँ या शर्ट, इन्होंने ना कर दिया नहीं बस ये भी मैं अपने आप ही लेके आई लोअर, और बस और तो कुछ इतना सामान मिला ही, दो लाई में अपने सूट, और मैंने अपना नया सूट भी लिया था फुल स्लीव का, लेकिन मैं उसका वही वापिस कर आई, फिर मैं दो सूट लिया ही, पहले मैंने एक ही सूट लिया था, और ये सूट है रेडीमेड स्टिच किए हुए, मतलब मुझे सूट अच्छे लगे तो इसलिए मैं सूट ही लिया ही, तो ये तक कमीज है कॉटन के हैं ये, और पता नहीं बस पहन के देखूंगी, मैंने वैसे ऐसे रेडीमेड सूट जो ये है पूरे ये नहीं पहने, कुर्ती वगैरह तो ली एक दो बार, ये इसका प्लाजो और ये है इसका दुपट्टा, ये कैसा लगा ठीक है देख लियो ठीक लग रहा तो इतने ज्यादा वो तो होते नहीं है कपड़े इनके, लेकिन फिर भी ठीक है देखूंगी पहन के पहली बार, नहीं ठीक है ये कपड़ा थोड़ा सा कॉटन मिक्स सिल्क और कॉटन मिक्स सा है इसका, इसलिए
बाकी पहन के ही पता चला था कैसा है। और एक एक लेके आई मैं, थोड़ा सा डिजाइन चेंज सा है, ऐसा सही है। एक ये लेके आई, सिंपल ही लाई, एम्ब्रॉयडरी वाले लाओ ना तो मैं इतने ज्यादा पहनने नहीं जाते, तो मैं सिंपल सवर से ही लाई है, फिर इनको ना डेली यूज में आराम से पहन लो। तो ये कमीज है और ये इसका प्लाजो और ये इसका दुपट्टा। दुपट्टा अच्छा लगा मुझे इसका सबसे। कौन सा अच्छा लगा आपको? ये ठीक लगा, दोनों ही ठीक है। तो ये दो कमीज लेके, दो मतलब सूट लाई मैं अपने, और बस फिर नाइट सूट में इसलिए नहीं लाई, मेरे पास पैसे रह गए थे कम, फिर मैंने सोचा चल नाइट सूट तो आते जाते ले लू, यार सूट ले रही तो सूट ही ले लू दोनों, पहले तो एक ही लिया था। और ये लाई मैं अपनी जूती, ऐसा तो मुझे हील वाली पसंद आ रही थी लेकिन मैं पहन तो नहीं सकती, हील वाली की है दिक्कत, मेरे पैरों में ना दर्द हो जाता है। और गुड्डू की भी लाई मैं चप्पल, वो उसकी वे कार्टून से वाली जो पट्टे वाली होती है वो वाली कौन सी पता नहीं उन्होंने पहन रखी होगी। और ईसु की चप्पल आई नहीं, ईसु आकर रोई भी है मेरी की लाई, लेकिन उसकी मिली नहीं सेम, और फिर हम लेट हो गए थे ज्यादा क्योंकि यहीं पे ही देर हो गई थी ना बहुत ज्यादा इस वजह से। तो जी ये थी बस छोटी सी शॉपिंग, और आपको इसमें से क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।